सो कैसे हो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2023 के टॉप 5 ट्रेंडिंग गेम्स जो आप लोग भी खेल सकते हो, और उसके लिए आपको कोई ज्यादा अच्छा पीसी या मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो मैं आपको गेम एंड में बताने वाला हूँ वो भी ऑल टाइम फेवरेट गेम है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर गेमिंग करने का सोच रहे हो तो आप वो गेम जरूर से खेल सकते हो। सो चलो भाई, करते हैं अपनी वीडियो को। सो नंबर 5 पे आते हैं अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। सो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अपने लॉन्च हुई थी 2029 में, लेकिन ये काफी अच्छी गेम है ग्राफिक्स के मामले में, लेकिन आजकल इसमें काफी ग्लिच वगैरह आ रहे हैं, कई लोगों का सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा, इस कारण से मैंने इसे 5th नंबर पे रखा है। नहीं तो ये डिजर्व करती है सेकंड या थर्ड पे आना, क्योंकि इसके ग्राफिक्स भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसके मुकाबले के गेम्स के साथ। बाकी इसमें मोड्स भी काफी हैं, अगर आपके मोबाइल फोन इसे सपोर्ट कर रहा है, सर्वर चल रहा है, तो आप इसे जरूर से खेलिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको, ये कभी किसी टाइम पे मेरी पर्सनल फेवरेट गेम भी हुआ करती थी। सो नंबर 4 पे अपनी गेम आती है, वो फ्री फायर। सो भाई लोग, फ्री फायर तो अपनी बैन होगी इंडिया में, लेकिन उसके सब्सटीट्यूट के लिए एक और गेम लॉन्च हुई थी जिसे कहते हैं फ्री फायर मैक्स। जो फ्री फायर मैक्स है वो ठीक है, लेकिन जो फ्री फायर थी रियल वाली उसका मजा अलग था, इसलिए मैंने इसे 4th पे रखा है। क्योंकि जो असली फ्री फायर थी वो तो जिन्होंने खेली उन्हें पता ही है कि वो कैसी थी। बाकी आप इसे खेल सकते हो, काफी अच्छी गेम है, लेकिन इसके ग्राफिक्स मुझे पर्सनली अच्छे नहीं। तो 3rd पे मैंने रखी है पबजी या BGMI। पबजी का काफी क्रेज हुआ करता था किसी टाइम में, लेकिन जब से वो बैन हुई है, गवर्नमेंट ने बैन की थी, तब से BGMI शुरू हो गई है। लेकिन भाई लोग, जो अपनी पबजी थी ना वो अलग ही चीज थी। सो अगर आप किसी तरह से VPN लगा के खेल सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छी गेम है वो, अब भी लोग खेलते हैं जिनके फोन में है। बाकी मैं आपसे भी कहूंगा कि आप उसे ट्राई कर सकते हो जिन्होंने अब तक बिल्कुल भी नहीं। सेकंड नंबर पे अपनी माइनक्राफ्ट। सो इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जो अपने क्रिएटिव लोग हैं, जिन्हें क्रिएटिविटी का करने का बहुत शौक है, वो इस गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि ये उनकी क्रिएटिविटी को इनहांस करेगा और उनका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे आना चाहते हैं इस गेम के साथ तो काफी स्कोप है, अगर आप सही चीजें यूज करते। सो नंबर 1 पे मेरी ऑल टाइम फेवरेट गेम है, वो है GTA 5। सो GTA 5 अपनी लॉन्च हुई थी 2013 में, लेकिन आज तक उसका क्रेज डाउन नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि पहले तो इसमें अकेला अपना स्टोरी मोड आता था, लेकिन अब इसमें आता है अपना ऑनलाइन मोड, जिसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, काफी नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पास काफी करेक्टर्स होते हैं, काफी हाइस्ट गाड़ियां भी बहुत अच्छी होती हैं। सो मैं कहूंगा आपको कि अगर आपके पास अच्छा PC है जिसमें अपने 2 या 4 GB का ग्राफिक कार्ड हो डेडिकेटेड, तो आप इस गेम को जरूर से खेलिए। सो आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कर दो, और आपकी फेवरेट गेम कौन से वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, जरूरी नहीं है कि इसी लिस्ट में से बताओ, वैसे कौन सी आपकी फेवरेट गेम है जल्दी